हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आ गए हैं भोपाल और 2 दिन की छुट्टी में हम लोग आ गए हैं भोपाल, यानी सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी को हम लोग बिताने के लिए भोपाल आ गए हैं दिल्ली से भोपाल। तो यहाँ हमने जो है एक दिन मतलब पहुँचने में लगा, दूसरे दिन यहाँ 1-2 दिन घूमेंगे और उसके बाद फिर बैक टू दिल्ली हो जाएंगे, क्योंकि सबकी पढ़ाई, सबका काम, सबका जॉब जो है ये पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन घूमना भी इसी टाइम में है। तो हम लोग निकल गए हैं 2 दिन की छुट्टी के लिए भोपाल के राउंड पे, और आज जो है हमारा राउंड लग रहा है यहाँ के भोपाल के फेमस डीवी मॉल जाएगी क्या? और डीवी मॉल शायद आप में से कई जानते होंगे और कई नहीं जानते होंगे कि डीवी मॉल का फुल फॉर्म क्या है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताइए, वरना मैं तो बता ही रही हूँ कि दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है जिसके इस पे है ये डीवी मॉल। तो हम लोग लेट नाइट निकले थे घूमने के लिए, क्योंकि मतलब अचानक ही अटेंडम भी ऐसे नॉर्मली प्रोग्राम बन गया, तो हम लोग निकल गए डीवी मॉल घूमने के लिए। और आप आधा अधूरा जो है कुछ शॉप जो है बंद होने पे आई हुई थी, लेकिन ठीक है अभी नहीं बंद हुआ था, तो 1 घंटे में हम लोग पूरे राउंड जितना लगा सकेंगे लगा लेंगे, और जहाँ पे कुछ दिखेगा तो वहाँ ले भी लेंगे। तो यहाँ हम लोग घूमने निकल गए हैं, बाकी देखते हैं। और अभी भी काफ़ी शॉप्स जो हैं वो आराम से खुले हुए हैं, और काफ़ी हाँ भीड़ कम है, क्योंकि लेट हो गया है तो कई लोग घूम के ही चले गए होंगे, तो हम लोग लेट से आए। चलो ये भी ठीक है कि भीड़ कम है। हाँ, इसको कंपेयर मैं करती हूँ दिल्ली के वेगस मॉल से, तो वेगस मॉल से ये मुझे बड़ा एरिया तो लगा, हाँ, लेकिन भीड़ यहाँ दिल्ली से बहुत कम है। दिल्ली में तो पैर जैसे रखने की वेगस मॉल में जगह नहीं होती, यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे ज़रूर लगी कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली जो है वहाँ से महंगी है, हर चीज़ में, कपड़े में ले लो या कुछ में, तो यहाँ मुझे वो चीज़ महंगा लगा है। और क्योंकि मैं देख रही हूँ, हर चीज़ कंपेयर करके ही देख रही हूँ, दिल्ली टू भोपाल का जितना भी कंपेयर करना होता है मैं देख रही हूँ, कपड़ों में भी मुझे यहाँ का चीज़ जो है सेल में भी जो है ये महंगे लग रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है मुझे दिल्ली का ही जो है हिसाब किताब जो है अच्छा लगता है, खाने में भी और पहनने में भी। फिर भी हम लोग जितना होगा देखेंगे और जो होगा वो लेंगे। और अब हम सब चीज़ देखते हुए अब जा रहे हैं उस एरिया में जो सबका पसंद और बहुत पसंद करते हैं और जिस जो सबका फेवरेट होता है एक मॉल में, तो उस एरिया की तरफ हम लोग बढ़ गए और कुछ लिए कुछ नहीं भी लिए। और हाँ, ये है कि यहाँ की जो है मुझे डेकोरेशन सब अच्छी लगी, हालांकि ये वहाँ भी अच्छा है वेगस मॉल में भी। कंपेयर मैं इसलिए कर रही हूँ कि यही सब चीज़ें वहाँ भी रहती है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है हर चीज़, आप चप्पल से लेके कपड़े से लेके
मैं सब चीज़ को, क्योंकि मैं वहाँ की रहने वाली हूँ तो मैं वहीं से कंपेयर करूँगी और जहाँ मुझे ठीक लगेगा मैं वहीं लूँगी। लोग दिल्ली आते हैं लेने के लिए, दिल्ली में हर एक का जो है हर चीज़ मिल जाता है ढंग से, सब चीज़ और सही प्राइस में भी मिल जाता है, सही चीज़ में भी, तो मैं इसलिए कंपेयर कर रही हूँ। और फिर हम लोग चले गए अपने जो है फेवरेट एरिया में, और वो है ये एरिया जो कि है फूडीज़ का एरिया। तो हम लोग काफ़ी घूमते हुए उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों को लग गई थी भूख, तो भूख के बाद जो है सभी ऑर्डर ले रहे हैं। यहाँ ऑर्डर में भी थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि मॉल में आप कहीं भी जाइए तो ऑर्डर में टाइम ही लगता है। और ये तो कुछ नहीं है वहाँ, तो मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती, यहाँ फिर भी जगह है। तो थोड़ी देर बाद मतलब आधे घंटे पौन घंटे के बाद कुछ ऑर्डर आया, और कुछ जो है अभी आने में टाइम है, तो हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया खाना जो भी है, मोमोज, शेजवान मोमोज, नॉर्मल मोमोज, पिज़्ज़ा और डोसा, ये सब करके। और फिर हम लोग खा के थोड़ी देर बैठे, उसके बाद निकल पड़े अपने घर। ये खाइए, ये कैसे खाएं, गरम है बहुत। और यहाँ सब ने खाया शेजवान मोमोज जो कि बहुत ही तीखा था, और नॉर्मल मोमोज का भी ऐसे भी चटनी तीखा ही रहता है, तो शेजवान का तो और भी हॉट वाला था, और वो खा के सबको लगी मिर्ची। फिर हम लोग आइसक्रीम को ढूंढते हुए नीचे आए, तो नीचे ऊपर भी होगा लेकिन हमें खाना था एक स्पेसिफिक एक जगह पे है आइसक्रीम। और फिर हम दोनों बहनों को ये गमला बहुत अच्छा लगा मॉल में रखा हुआ, तो फिर हमने इसका जो है पूरा गूगल से सर्च भी मारा और देखा भी, और ये लेने लायक है कि नहीं ये भी देखा, और किस चीज़ का बना हुआ है ये पूरी पड़ताल हम लोग यहाँ पे खड़े होके करने लगे। और यहाँ पे मिट्टी भी देख ली हमने कि किस चीज़ का है, क्या है, कैसा है। तो सॉइल भी इसका जो है बहुत एकदम अच्छा वाला था, बिल्कुल रवादार जैसे था, तो अच्छा इसलिए प्लांट शायद इसमें अच्छा रहता है और देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो इसी बारे में यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है। फिर हमारी लाइन आई गई आइसक्रीम की, तो हमने लिया मैकडी से आइसक्रीम, और सभी आइसक्रीम जो है लगभग ख़त्म हो गया, तो हमें मिला चॉकलेट वाली आइसक्रीम। हम लेने जा रहे थे बटर स्कॉच, किसी को पसंद था लेकिन नहीं मिला, तो सिर्फ चॉकलेट वाली आइसक्रीम थी। और हमने फिर सभी ने आइसक्रीम लिया, और खाते हुए इस मॉल को बंद करवाते हुए, आप पीछे देख रहे होंगे क्योंकि ढक ही रहा है, आधा आधा शटर हर शॉप का जो है वो गिर गया है, मीन्स कि अब बंद होने वाला है। तो हम लोग भी अपनी आइसक्रीम को लेते हुए घर की तरफ चल दिए। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव।